अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज, मैंने ना आज जाना है अपनी जो लैम्बोर्गिनी में चुराई थी उसको मैं जाना है बाइक भेजने, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त है, उसने हमारे से सारा कुछ डील वगैरह ले ली थी, तो हमने उस गाड़ी कस्टम करवा दी है। मेरा तो 20,000 रुपये लगा है, पर हमने गाड़ी प्रॉफिट में सेल कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले जाना मैंने अपने वेयर हाउस जहाँ पर मेरी लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। और कुछ लोग कह रहे थे भाई हम लैम्बोर्गिनी नहीं है, मैं वो GT5 की लैम्बोर्गिनी है। अगर हम बाहर से मंगवाते हैं ना लैम्बोर्गिनी, तो वो हमें दूसरी मिलेगी, ये यहाँ की कॉपी है, ठीक है ना। बस ये भी बहुत महंगी गाड़ी है यहाँ की, अमीर लोग रखते हैं, यहाँ पर कोई सस्ता आदमी नहीं रखता ये। तो सबसे पहले जो कार्डबोर्ड है उसको हटाते हैं, टाइम लग जाना है। चलो कोई बात नहीं, वो हटा देंगे हम। ये देखो यहाँ पर ये खड़ी हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले कार्डबोर्ड वगैरह हटाते हैं। और गाइस, थोड़े दिनों तक ना पबजी वगैरह की वीडियो आएगी, ठीक है ना, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। GTA 5 की वीडियोस में अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ये मेरे पास आखिरी वीडियो पड़ी है, तो इसलिए पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो मैं इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियोज़ बना लूँ। तो आप भी अपने वीडियोज़ वगैरह के आइडियाज़ नीचे वगैरह दे देना, ताकि मैं वीडियोज़ वगैरह बना लूँ। वो खड़ी हुई है लैम्बोर्गिनी, और ये लैम्बोर्गिनी सेंटिनारियो है, उसकी कॉपी है बाइक की, मतलब सेंटिनारियो है उसकी। ये कूप है, मतलब कि यहाँ पर तो कूप ही है, इतना हमें गाड़ियों का पता तो है। और ये मैंने सारे डब्बे इधर उधर फेंक के ये हम लैम्बोर्गिनी निकाल लेते हैं। थोड़ा काम शाम करवाया था ताकि नंबर पता ना चले, और मैंने इसका चेसिस नंबर भी चेंज करवा लिया था, उसमें काफ़ी दिन लगे। गाड़ी वैसे हर चीज़ भागना बिल्कुल A1 है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये है मुझे कि भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत कमाल की है, मज़ा ही आया था इसकी गाड़ी चलाने में। ओश, मेरा ख्याल हमने ऊपर जाना था ना। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं से हम रास्ता वगैरह निकाल लेंगे, इसमें क्या मसला है। गाड़ी वैसे भी हमने बेचने जा रहे हैं, पाए गाड़ी टूटे फूटे हमें कोई मसला नहीं है। जिस बंदे को मैंने दिए ना, वो बंदा ही बंदा फजूल है। ओके तेरी बहन, ओ शिट यार, वो गड्डी बच गई है, बच गई गड्डी, टेंशन नहीं लेनी। तो दोस्तों, मैंने इसको फुल, मैंने जोर जोर लगाते हुए भाई मैंने फुल गाड़ी सीधी गाड़ी ली है, शुक्र अल्लाह का। ये यहाँ पर मोड़ है, यहाँ से बिल्कुल आहिस्ता से निकालिए, पता पता नहीं आगे, पता भी नहीं चलता कि कुछ भी। हेलो, पहले कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पर पता नहीं क्या आ गया था। गाड़ी वैसे लेनी है मैंने भी, कोई क्या सी लूँ, सिविक का दिल कर रहा है, सिविक वगैरह लेने का, रावी वगैरह सेल कर देनी है, सिविक लेनी है। और कोई दूसरी गाड़ी भी देखते हैं, अगर अच्छी लगी देखते हैं वो भी। तो दोस्तों, हम बहुत लंबा सफ़र करते 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 यहाँ पर आ चुके हैं शिपिंग कंटेनर। तो मैंने सारे, उस बंदे ने हमें बुकिंग शिपिंग करवा दी है, उसने कहा सिर्फ अपनी गाड़ी पकड़वानी है और आपने ले आपने चले जाना वहाँ से। मैं कहता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर ही गया था आखिर में करके है, वहाँ पर आप चले जाओ, या आपको वहाँ से आप सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी, वहाँ कंटेनर वगैरह पड़ा होगा वो कर देंगे आप। ये वैसे गाड़ी सेल करने का दिल नहीं कर रहा, पर ये मेरी अपनी होती है, मैं सेल नहीं करता, पर आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाना है सीधा,
बंदर ही खरी कर लेते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, बंदा हो ना हो। शोरूम में मैंने शोरूम वगैरह कोई स्टार्ट नहीं करना भाई, मैं हमको पता है भाई रोबर है, हम गैंगस्टर बंदे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये बंदा कहाँ पर, इसकी माँ का कोई बंदा नहीं है इधर। वो खड़ा हुआ और भैया ने गड्डी पानी है, ताकि मैंने किधर पानी। जी भैया ने ये ना अपन दली जी बकवास करें दे, कदर अंदर ले के जाऊँ। मेरा ख्याल इधर कंटेनर वगैरह खड़ा होगा, वहाँ पर हम डाल देंगे। सही नहीं तो भाइयों, वो भाइयों वो भाइयों ये यहाँ पर नहीं, वहाँ पर कंटेनर पड़े वहाँ पर डाल दे। अच्छा भाई काले तुसी बहुत है गए। तो गए चलो अब इसमें डालते हैं गाड़ी। उन्होंने कहा था कि गाड़ी आप ऐसा नहीं लेके जा सकेंगे, पर हम ले के जाएंगे। चलो जी, हेलो जी, गाड़ी आ गई है, इतना इतनी बदमाशी चल रही है। सो गाइस यहाँ पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है, वो कंटेनर उन्होंने बंद कर दिए। चलो गाइस अब यहाँ से हम चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं को ये बताना चाहता था कि मेरा जो जेन है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैं शायद पीसी चलाऊँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो वगैरह बनाता हूँ ज़्यादा, और कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट ले करूँ आपके लिए, कॉन्टेंट कॉन्टैक्ट नहीं, ठीक है ना गाइस। तो आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता था कि आप अपनी वीडियोस की आईडी नीचे दे दिया करें, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया मेरी कंप्यूटर में योर ट्रक ड्राइविंग बिल्कुल नहीं चलती, बिल्कुल अटक के चलती है, और फोटोज बिल्कुल नहीं चलेगी। GT4 में, GT4 आप अगर आप कहते हो GT4 की सीरीज स्टार्ट करनी, तो मैं कर देता हूँ, वो भी अच्छी तरह चल जाएगी, पर उसमें मोड्स वगैरह इतने नहीं होंगे। तो आप बता देना कि कौन सी आपको वीडियो चाहिए, GT4 पबजी अगर चाहिए तो मुझे भी बता देना, अमंगस भी हम खेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना गाइस। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे 440 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 60 सब्सक्राइबर्स रह गए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। मैं डुप्ली करने जा रहा हूँ।